चैप्टर 30 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है? द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला पॉइंट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में होता क्या है वो देख लीजिए। आप ये बताइए, एसी जनरेटर में आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेट रखी गई है, ये कॉइल है, एक कॉइल ऐसे है, दूसरा कॉइल ऐसे है, ये एक रिंग होती है, ये कार्बन के ब्रेसेस होते हैं, ये इस टाइप से आ जाएगा, ये दूसरा कॉइल है, ये इस टाइप से है, ये है एसी जनरेटर। डिटेल में हम आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डीसी जनरेटर में क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है। डीसी जनरेटर में ये एक कॉइल होता है जो बीच में से इस टाइप से डिवाइडेड होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे तो रिंग R1 और R2 है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं होता, ये कम्यूटेटर जो D1 और D2 रिंग है ये बीच में से डिवाइडेड मानी गई है। तो अब मेन पॉइंट आता है, बाकी का सारा सर्किट सेम है, यहाँ पे दो रिंग होती है, यहाँ पे एक ही रिंग होती है जो बीच में से कट होती है, तो दोनों रिंग D1 और D2 सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल ए डीसी जनरेटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करने से जो मैग्नेट बन जाता है, तो देखो ये तो कॉइल है, कॉइल में करंट पास करोगे तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा, तो इनमें दोनों में है वो, तो इनमें ये वाला डिफरेंस तो काउंट नहीं होगा। डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज, ऐसा जरूरी नहीं है, एसी वोल्टेज, एसी जनरेटर भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला आता है, एसी जनरेटर विच जनरेट ए हायर वोल्टेज, अभी जो आंसर दिया था सेम वैसे ही, डीसी जनरेटर भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एसी जनरेटर है स्लिपिंग, तो ये जो रिंग है ये स्लिपिंग है, व्हाइल द डीसी जनरेटर हैज द कम्यूटेटर, ये जो एक रिंग को बीच में से कट किया गया है इंसुलेशन के जरिए जोड़ा गया है, इसे बोला जाता है कम्यूटेटर। तो अपना ये वाला जो आंसर है डी वाला, ये वाला आंसर अपना करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिपिंग होती है या सेपरेटिंग भी बोल देते हैं, और डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। इसकी बाकी की डिटेल ये जो टॉपिक आएगा जनरेटर उसमें बताएंगे। तो इस वाले